सीरियसली मैं मोदी जी आप पे इतना ट्रस्ट करती थी, आपने बिल्कुल आत्मा को झंझोड़ दिया है, क्या किया है पता नहीं। सर हम लोग अगर घर जाते हैं पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में, घर जाएंगे सीधे अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आएंगे, कोई ऐसा तो नहीं कि घर पे हमारे लिए कोई आइसोलेशन सेंटर बना हुआ अलग से कि आप अलग रहो आइसोलेट। सर छोटा बच्चा है, मेरी 1.5 साल की बच्ची है जिसको छोड़ के मैं काम कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते, वो भी बाहर रहते हैं, वो फार्मा कंपनी में काम करते हैं, तो वो भी मतलब देश के लिए दवाइयां ही तो बना रहे हैं, पेशेंट्स के लिए दवाइयां बना रहे, तो हम दोनों तो सिर्फ यही काम कर रहे हैं। हमारा बच्चा है जो नाना नानी के पास है, बहुत छोटा बच्चा है, तो सर मतलब हर तरीके से आप हमारा शोषण क्यों कर रहे हो? आप बोल रहे हो घर में जाओ, अब मैं अपनी छोटी बच्चे के पास जाऊंगी, क्या उसको रिस्क नहीं रहेगा? हमारी फैमिली को मतलब आप चाह रहे हो हम खुद तो मरे मरे अपनी फैमिली को भी साथ में ले ले। मतलब एक सैनिक होता है वो अगर बॉर्डर पे जाता है तो वो खाली अकेला लड़ता है ना, अगर उस जान जाती है उसकी अकेले की जाती है, ऐसा तो नहीं कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन आप तो हमारी उससे भी बुरी कंडीशन कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो ठीक है आप भी जाओ आपकी फैमिली में जाए, उसके बाद आपने अपना पॉइंट छुपाने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी कि आप हमारी सैंपलिंग नहीं करोगे, आप हमारे टेस्ट नहीं करोगे। पूरी दुनिया जानती है कि जो लोग पीपीई किट पहन के काम कर रहे थे वो भी इन्फेक्टेड हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी पीपीई किट बहुत बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी पहनने के बाद भी लोग इन्फेक्टेड हुए, तो इस घटिया क्वालिटी में तो हमको तो पूरे चांसेस है कि हम इन्फेक्टेड होंगे। तो मतलब आप अपनी चीजें छुपाने के लिए बोल रहे हैं सैंपलिंग नहीं करोगे, सैंपलिंग नहीं करोगे तो हम पॉजिटिव नहीं आएंगे तो आप ये शो कर दो कि चलो इन्फेक्टेड नहीं हुए, लेकिन हम तो हुए हैं ना। अब कैसे, अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है आपकी जो पीपीई किट है 100% गारंटी दे रहे हो कि एक भी मेडिकल हेल्थ वर्कर इन्फेक्टेड नहीं होगा तो ठीक है हम फॉलो करेंगे। सर कल को तो एक नई गाइडलाइन जारी कर दोगे कि चलो हमारे पास पीपीई किट खत्म हो गई है, अभी आप सिर्फ मास्क लगा के जाके काम करो। तो ये सारी चीजें आप हमसे पहले भी बोल सकते थे, आप 2 महीने पहले जब आपने लॉकडाउन स्टार्ट किया तब भी बोल सकते थे कि चलो ठीक है ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, या स्पेशली जो हेल्थ वर्कर उनको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप तो हमको भगवान बना रहे हो और भगवान को थोड़ी कुछ होता है, ये आपकी मेंटालिटी है, हम तो इंसान है और इंसान को सब होता है। तो अगर आप हमारी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो तो ठीक है, हम तो हमेशा HIV आया और हेपेटाइटिस आया, गंदी गंदी बुरी बीमारी आ रही हम तो फेस कर रहे हैं, इवन हम तो ग्लव्स भी नहीं पहनते। तो सर ये सारी चीजें हमें होगी, हमारी फैमिली को नहीं होगी, तो आप तो बिल्कुल हमारी फैमिली को भी मारने के लिए लगे हो। सर मजदूर है, पलायन करके दूर से आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए तो हम भी काम कर रहे हैं, किसके लिए? ठीक है सर देश के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं अपने देश के लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। अगर आप बोलोगे आपके पास मास्क नहीं है तो भी हम फील्ड में जाएंगे, अभी बोल रहा हूँ पीपीई किट मैं मत पहनो तो सर हम उसके लिए भी रेडी, हम नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से शोषण कर रहे हो, आप भगवान बना रहे हो, ताली बजा रहे हो, थाली पीट रहे हो, फूल बरसा रहे हो, लेकिन सर हम तो शुरू से गालियां खाते आए हैं ना, हमको तो सब यही बोलते हैं कि फ्री का खा रहे हो आप लोग, फ्री का खा रहे हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन उसके बाद हमें ना आपकी थाली चाहिए, ना हमें गाली चाहिए, ना फूल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्रॉपर हमको इक्विपमेंट्स दो, जितनी चीजें की जरूरत है वो दो, ऐसा अब से लेकर के हम मरते तक आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए नहीं कि हम पैसा चाहते, हमें पैसा नहीं चाहिए, जो सेक्टर होते हैं उनमें पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा है कि जो मेडिकल फील्ड होती है उसका मतलब ही होता है कि सेवा, आप दूसरे इंसान की जिंदगी बचा रहे हो। तो अगर आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं कर रहे हो तो फिर हम कैसे किसे बचा सकते हैं? और आप बताइए, आप खुद एनालाइज कीजिए कि अगर मान लीजिए 100 डॉक्टर इन्फेक्टेड हुए, आपने उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया, मतलब आपने उनकी सैंपलिंग नहीं की, आपने उनको पॉजिटिव घोषित नहीं किया, और ये सही बात है कि आप छुपाने के लिए सारी चीजें कर रहे हो। तो अगर आपने घोषित नहीं किया तो हम तो अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरी सोसाइटी, सबको इन्फेक्ट करेंगे, और वहां पे हम जानते हैं कि किन चीजों के कारण हो रहा है, हम कंटिन्यू उन सारी चीजों के बीच में काम कर रहे हैं। एक आदमी भी हमारे कारण मरता है तो हम अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि वो इंसान हमारे कारण मरा। तो आप इस तरीके से मतलब कैसे शोषण कर सकते हो हमारा? मतलब सीरियसली मैं मोदी जी आप पे इतना ट्रस्ट करती थी, आपने बिल्कुल आत्मा को झंझोड़ दिया है, क्या किया है पता नहीं। दो रातों से मैं सोई तक नहीं हूँ, पूरे टाइम दिमाग में रहता है कि अब क्या होगा, हो सकता है। इन लोगों ने रात में गाइडलाइन जारी करके बोला था कि आज रात को इन लोगों को निकालो, जो होटल है हॉस्टल है सबसे निकालो। ठीक है होटल में रुके जी जी, ठीक है सर आपने गाइडलाइन जारी की, हमें ऑर्डर आया, ठीक है हम परेशान हुए। थोड़ी देर के बाद हमारे जो क्या कहना चाहिए, गांधी मेडिकल के जो डीन थे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं हम फिलहाल उनके लिए
पे करेंगे, हम अपने हिसाब से उनको सुविधाएं देंगे। लेकिन सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू हो गया ना, मतलब हम तो देश सेवा के नाम पे बलि चढ़े जा रहे हैं और चढ़ने को तैयार भी है, लेकिन आप तो हमारी फैमिली को भी घसीट रहे ना उसके साथ। अब और एक और चीज है, उसमें साफ साफ मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगी कि मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि जो लोगों ने फैलाया, इन लोगों ने फैलाया, पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि मान लीजिए मैं इन्फेक्ट हुई, मेरा अपने टेस्ट नहीं लिया, मैं पॉजिटिव नहीं आई, बहुत लोग एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं, ठीक है, मैंने वहां अपनी फैमिली को स्प्रेड किया, उसके बाद आपने सीधा कहा है कि आप क्वारंटीन नहीं हो गए, मतलब कोरोना में काम करने के बाद वापस अपने डिपार्टमेंट में जाके काम करूंगी, मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट को कंटामिनेटेड करूंगी, साथ में वहां आने वाले सारे पेशेंट्स को कंटामिनेटेड करूंगी और उन सारी चीजों का रीजन होगी मैं। उसके बाद आपने क्या है, क्या कहने लगे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्या मेरे पास, आप बोल रहे हो कि पीपी किट आप ऑल टाइम पीपी किट बोल रहे हो, फिर अगर मैं बोलूंगी कि नहीं सर अगर पीपी किट पहन के इन्फेक्ट हो गए तो आप क्या कहोगे, आपने प्रॉपरली वेयर नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे सारी गलती हमारी, आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि पूरे जो ग्लव्स थे वो लूज थे, एक कैरी बैग का जो कपड़ा होता है उसका आप पीपी किट दे रहे हो, ठीक है, जो कचरे की थैली होती है उसका आप शू कवर दे रहे हो। हर चीज के लिए हम लोग रेडी है, सब कुछ करिए, लेकिन हमारी फैमिली के साथ मत खेलिए आप लोग। आप बोल रहे हो कि हमारे बर्थडे के बाद आप 50 लाख दोगे, नहीं चाहिए हमको आपका 50 लाख, उन्हीं पैसों में कम से कम फैसिलिटीज दे दीजिए तो हम लोग कम से कम जिंदा रहे, अपनी फैमिली को बचाए, लोगों को बचाए।